गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज पैसेज, या फिर हम कह सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एवरी एग्जाम इंग्लिश का अगर पेपर हो, अगर उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आए तो समझ जाओ कि इंग्लिश का पेपर नहीं है। ठीक है, ये तो होगी थोड़ी सी मजाक वाली बात। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर इंग्लिश का पेपर है तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स पैसेज तो आना ही है। अब हम देखेंगे कि हम क्या गलती नहीं करें जिस वजह से हमारे जो पैसेज के मार्क्स है वो कटे बिल्कुल नहीं, हमें पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर मैं बिल्कुल शुरुआत से बात करें हम, तो देखो क्या होगा कि आपको सबसे पहले पैसेज क्या होता है मैं वो बता दूँ। पैसेज आपको मान लीजिए यहाँ तक का लिखा रहता है स्टोरी टाइप में, ठीक है। अब उसमें उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन 5 क्वेश्चन में क्या आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे, पैसेज से, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे स्टूडेंट, जो पैसेज है ना वो कभी कभी 8 मार्क्स का भी आता है, कभी कभी 5 मार्क्स का भी आ जाता है, कभी कभी 10 मार्क्स के भी आ जाते हैं, और कभी कभी अगर 2 पैसेज आ जाए 10 मार्क्स के तो 20 मार्क्स इंग्लिश में, विच इज वेरी ह्यूज, ठीक है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स हम कटे नहीं। अब अगर एग्जामिनर आपको 10 मार्क्स का पैसेज दे रहे हैं, है ना, एक मिनट, अगर एग्जामिनर आपको 10 मार्क्स का पैसेज दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप मान लीजिए कि वो पैसेज के एक एक मार्क्स आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल है, तो आप क्या करें और क्या नहीं करें जिस वजह से आपके मार्क्स कटे नहीं, पैसेज पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए। अगर मैं बात करूँ पैसेज की स्टूडेंट्स, तो एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मान लीजिए इतना आपको पैरा दिया हुआ है, कोई सी भी स्टोरी लिखी है यहाँ पर, इसके 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक नंबर का एक क्वेश्चन है। अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर यहाँ से देखना, मैं आपको पहले सॉल्व करवाऊंगी अभी, ठीक है, तब आप समझ लीजिएगा। अब अगर देखो, अगर ये वाला आंसर आपने इसका आंसर आना था, मान लीजिए राम, आपने लिख दिया श्याम, तो क्या आपको एक मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं, सीधे से एक मार्क्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल ऐसे क्या इसकी स्ट्रेटेजी रहेगी कि हमारा जो पैसेज है गलत ना हो, तो इसकी स्ट्रेटेजी ये रहेगी स्टूडेंट्स कि सब अलग अलग बोलते हैं, और जो मैं कोड यूज करती हूँ मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि जब भी आप पैसेज सॉल्व करें तो हमें एक बार उसकी रीडिंग करनी है। क्या करनी है, रीडिंग। कोई कोई बोलते हैं ऐसे कि अगर हम रीडिंग करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, बट नहीं स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट नहीं होता। रीडिंग करने से एक बार आपको क्या पता चल जाता है कि पैसेज के टोन क्या है, ऑथर के आपको क्या कहना चाह रहे हैं, और जो पैसेज है वो कैसा है, किसी की उसमें तारीफ हो रही है या किसी की बुराई हो रही है, या पहले तारीफ हुई फिर बुराई हुई, या फिर पहले बुराई हुई या फिर तारीफ हुई। तो इससे क्या होता है कि एक बार जब आप उसकी स्टार्टिंग से एंड तक रीडिंग कर लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि पैसेज की टोन क्या है, ऑथर आपको क्या बताना चाह रहे हैं और लास्ट में क्या हुआ, ठीक है। आज तो देखो पहले पैसेज का टॉपिक समझ लेते हैं, स्पोर्ट्स या फिर ग्लोबल पे टॉपिक हो सकता है, सोशल साइंस रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, मतलब कि सामाजिक विज्ञान के टाइप में, उसके बाद मैनेजमेंट पे, इन्वायरमेंट का हर साल आता है एग्जाम्स में, फाइनेंस एजुकेशन हो सकता है, फाइनेंस के बारे में ज्यादा टॉपिक ज्यादा हम तो नहीं पूछाते, एजुकेशन का बहुत ज्यादा टॉपिक आते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉर्पोरेट पे हो सकता है, फिर इकोनॉमी पे, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था उससे रिलेटेड हो सकता है मैसेज का टॉपिक, और करंट अफेयर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो अभी करंट में चल रहा है उससे भी एक मैसेज बन सकता है। तो और भी इससे कई ज्यादा टॉपिक हो सकते हैं। अब हमें करना क्या नहीं है, तो नॉट रीडिंग इन डिटेल, इस बात का ध्यान रखिएगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कि जब भी आप मैसेज की रीडिंग करो तो आपको उसको डिटेल में नहीं पढ़ना, पता चले आप यहाँ से यहाँ तक एक लाइन पढ़ रहे हो फिर उसको हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि आपको पहले स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ रीडिंग करनी है, हाँ उससे एक आइडिया लेना है, ऐसा नहीं कि आप उसको डिटेल में पढ़ रहे हो, आप उसका हिंदी भी देख रहे हो, हिंदी ट्रांसलेट करते जा रहे हो फिर आगे बढ़ते जा रहे हो, ऐसा आप रीडिंग नहीं करोगे। कीवर्ड्स क्वेश्चन, जब आपकी रीडिंग हो जाती है ना, जब आपने एक बार रीडिंग कर ली, जब आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन रहेंगे इन क्वेश्चंस का कीवर्ड देखो, जैसे कि यहाँ पर अगर पूछा है होम, है ना, होम है इसका कीवर्ड इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का, तो आपको फिर पैसेज में होम को ढूंढना है, होम से रिलेटेड जहां पर बात चल रही होगी वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर 101% मिलेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के स्टूडेंट्स, अगर आप दो चीजों को फॉलो कर लोगे तो
नहीं कैंसिल होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि ऑथर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका नाम क्या था, इसका घर कहाँ पड़ता है, ये कहाँ गया, ये कब उठा, कब सोया, समथिंग दिस टाइप से। इनफेड हो सकता है, इनफेड मीन्स होता है आप क्या समझ पा रहे हैं उसको, या फिर ऑथर क्या कहना चाह रहा है। ऑथर की टोन मतलब कि जो लिखा है पूरा पैसेज उसमें ऑथर की टोन क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, मतलब ऑथर पॉजिटिव साइड जा रहा है ज्यादा या नेगेटिव साइड जा रहा है, या फिर बहुत ज्यादा क्रिटिकल जा रहा है, सबको अनबैलेंस हो रहा है, या फिर ग्लोबल क्वेश्चन हो सकते हैं। ग्लोबल क्वेश्चन में क्या होगा, या तो पूछेगा कि इस पैसेज का टाइटल क्या है या थीम, या फिर पूछ सकते हैं कि इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है। तीनों का आंसर समझ गया कि जिस तरीके से जो पैसेज होगा उसका जो टाइटल है कि बात किसकी चल रही है ना। अगर इन्वॉल्वमेंट की बात चल रही है तो क्लियर तो दिखेगा नहीं कि आप इन्वॉल्वमेंट की बात चल रही है, आपको ही उसको सोचना है, तो फिर इससे आप क्या पता कर लेंगे ग्लोबल क्वेश्चन। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको पैसेज समझ में आया होगा कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। अब अगर मैं इसको शॉर्ट में आपको समअप करूं तो आपको मैसेज में क्या करना है कि सबसे पहले आपको पैसेज की रीडिंग करनी है। अब क्या होगा कि अगर आप जब रीडिंग नहीं करते है ना, जब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते फिर ऊपर आंसर ढूंढ के लगा देते थे, तो स्टूडेंट्स चलिए ऐसा भी करते देखो। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, पता चला क्वेश्चन में स्टार्टिंग में तो निगेटिव बात चल रही थी कुछ, लेकिन बाद में पॉजिटिव हो गई और क्वेश्चन पूछा था कि इस पैसेज में किस टाइप की बात चल रही है, आपने सिर्फ इसको ऊपर देखा उसमें लिखा था निगेटिव बात चल रही थी, मतलब किसी की बुराई चल रही थी, या फिर कहे तो अगर किसी को ब्लेम कर रहे थे तो आपने आंसर में लगा दिया निगेटिव या फिर बुराई देख दी। आपने नीचे पढ़ ही नहीं कि नीचे वापस पॉजिटिव हो गया था, और हमसे ये तो पूछा नहीं था कि ऊपर कौन से चल रही, नीचे कौन से चल रही बात, हमसे तो पूछा था इस पैसेज की टोन क्या है, इस पैसेज में बात किस टाइप से चल रही। तो आपको समझ में आया है क्या कहना चाह रही हो कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ऊपर का पैसेज ढूंढोगे आंसर तो वो आपके 100% गलत हो जाए। कभी कभी बाय चांस ऐसा होता है मोस्ट रेयरली कि वो सही हो जाते हैं, अदरवाइज 99% वो गलत होते हैं। आपको क्या करना है, पैसेज की अच्छे से रीडिंग करनी है, देन क्वेश्चन पढ़ना है, फिर क्वेश्चन का जो कीवर्ड है तो उसको फिर ढूंढना, ठीक है। अब ऐसा बोले कि पूरे 10-10 क्वेश्चन पैसेज के ही आ जाएंगे, नहीं, उसमें से लास्ट के क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेंगे जो पूछेंगे इसका अपोजिट क्या है, इसका सिनोनिम्स क्या है। और एक और चीज इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब भी हम पैसेज सॉल्व करें, मान लीजिए कि पॉल्यूशन पर है पैसेज है ना, कोई सा पॉल्यूशन पे आ गया, फिर एनवायरमेंट पे आ गया। अब पॉल्यूशन के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है, कैसा क्या क्या होता है। अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसका आंसर आपको पता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए वरना ये होता है पॉल्यूशन के साथ, लेकिन वो पैसेज पे दिया नहीं है तो आप ये मन से नहीं लिख सकते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर पैसेज पर उस टॉपिक के बारे में बात नहीं हो रही है तो आप मन से नहीं लिख सकते, अगर आपको आता है तब भी आपको वही लिखना पड़ेगा जो पैसेज में दिया होगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए और पैसेज में दिया ना, नहीं हो सकता ना। तो आपको समझ में आया क्या बोला मैंने कि आपको वही क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो आपको पैसेज में दिया रहेगा, आपको मन से कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब जैसे कि कुछ आ जाए कि राइट द बेनिफिट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन का बेनिफिट लिखो है ना, तो बेनिफिट अब आपको पता है कि नॉइज पॉल्यूशन का बेनिफिट क्या हो सकते हैं, लेकिन पैसेज में दिया रहेगा कि हाँ ये होते बेनिफिट, तो आपको फिर बेनिफिट लिखना ही पड़ेगा। भले ही आपको पता है कि नहीं बेनिफिट तो होते ही नहीं है, लेकिन अगर पैसेज में दिया है तो फिर आपको उसका आंसर वहां से वहां तक के लगाना पड़ेगा। आप आपके खुद के स्किल यूज नहीं कर सकते व्हेन वी यू सॉल्व पैसेज। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको पैसेज समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है।